मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन आगरा में पिछले 40 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जब भी कोई मरीज़ अल्ट्रासाउंड करवाता है पेट का, और उसमें पित्त की थैली में पथरी आती है। अब पथरी आती है, कभी कभी बजरी आती है जिसमें कि पथरी नहीं होती है, रेता की तरह बजरी होती है, और कभी कभी उसमें जो पथरी होती हैं, जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, कभी 2 मिलीमीटर के, 4 मिलीमीटर के, कभी 8 मिलीमीटर के, 10 के, 11 के, या कभी कभी 2 से 3 सेंटीमीटर के होते हैं। तो सभी मरीज़ मुझसे ये पूछते हैं कि किस आकार की पथरी का हमको ऑपरेशन कराना चाहिए। अगर ये तो हमारी अभी बहुत छोटी है, 2-3 मिलीमीटर की है, क्या हम अभी रुक सकते हैं? और कभी कभी पूछते हैं कि 2 से 3 सेंटीमीटर की हो गई है, क्या अभी हम कराना चाहिए? हमें दर्द हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है, क्या हम ऑपरेशन कराएं? आज इस सभी बात का मैं आपको इस आंसर दूंगा। अगर अगर आप पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पित्त की थैली में और गुर्दे की थैली, गुर्दे में पथरी में क्या अंतर होता है। जो गुर्दे में पथरी होती है, तो हम केवल पथरी को निकालते हैं, गुर्दे को नहीं निकालते हैं। अगर पित्त की थैली में या गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है, तो उसमें हम पथरी नहीं निकालते हैं, हम पूरा पूरा गॉल ब्लैडर निकालते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो गॉल ब्लैडर में होती है, पूरा गॉल ब्लैडर डिसीज होता है। अब इसके बाद मैं आपको हर एक स्टेज के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर पित्त की थैली में हमने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें बजरी आ रही है, रेता सा है, अभी उसकी पथरी नहीं बनी है, तो क्या करना चाहिए? ये ऐसी स्टेज है जिसको हम पथरी बनने से रोक सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम ज़्यादा पानी पिएं, 3 से 4 लीटर हम पानी पिएं, 150 से 200 मिनट एक्सरसाइज करें एक हफ्ते में, और ज़्यादा रेशे युक्त खाना खाएं। फैटी फूड्स, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड को हम अवॉइड करेंगे, तो ये जो बीमारी है वो आगे बढ़ने से रुक सकती है। और आगे बढ़ने केवल हमको हर 6 महीने पे या 3 महीने पे एक फॉलोअप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि पथरी तो नहीं बन रही है। अगर पथरी आती हैं जहाँ हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जैसे 2 मिलीमीटर की, 3 मिलीमीटर की या 4 मिलीमीटर की पथरी आ जाती है, तब क्या करना चाहिए हमें? इस पथरी का नुकसान ये है, जितनी छोटी पथरी होगी उसका नुकसान ये है कि वो गॉल ब्लैडर की नली से निकलकर पित्त नलिका में आ सकती है, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, और इसमें से होते हुए ये पेनक्रियास के अंदर जा सकती है। अगर ये पेनक्रियास के अंदर चली जाती है, तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस मरीज़ को होती है, जो कि बहुत सीवियर बीमारी है और बहुत कष्टदायक है। अगर ये सीवीडी को रोक देती है, पित्त नलिका को ब्लॉक कर देती है, तो जॉन्डिस हो जाती है, और ये भी बहुत सीरियस बीमारी होती है। तो अगर छोटा पित्त की थैली का, पित्त की स्टोन का साइज है, तो हमको ऑपरेशन के बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, चाहे हमको कोई दिक्कत उसकी वजह से हो रही हो या नहीं हो रही हो। अब सवाल आता है कि 8 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर या 11 मिलीमीटर का स्टोन है तो क्या करें? ऐसे अवस्था में हमको ये देखना चाहिए कि हमारे गॉल ब्लैडर का संकुचन खाना खाने के पश्चात हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर संकुचन हो रहा है, इसका मतलब हमारा गॉल ब्लैडर सही काम कर रहा है। और अगर हमको दर्द नहीं उठाए, हमारे गॉल ब्लैडर की जो वॉल्स हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है, उनमें मोटाई ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे और दर्द हमारे नहीं होगा, अगर दर्द नहीं उठता है, तो हम उसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं, केवल हर 3 महीने पे या 6 महीने पे अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहें। अब अगर स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, तो क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति में हमको फौरन ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, 2-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, तो कैंसर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो गॉल स्टोन है वो पित्त की थैली की जो दीवारें हैं उनको इरिटेट करता है, और इसी इरिटेशन की वजह से कैंसर हो सकता है। अब ये पूछा जाता है कि कौन सा साइज स्टोन का खतरनाक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा छोटा होना
जैसे 2, 3, 4 या 5 मिलीलीटर का स्टोन है ये भी खतरनाक है, और अगर स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वो भी खतरनाक है। अगर आपका साइज 10-11 मिलीमीटर के आसपास है, आपको दर्द नहीं उठा है, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप थोड़े दिनों के लिए अपना ऑपरेशन है टाल सकते हैं। अदरवाइज मेरी राय में आपको फौरन अपना ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर हम ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो जो स्टोन का साइज है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, मॉडिफिकेशन अपनी लाइफस्टाइल में नहीं करते हैं, तो 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, 150 से 200 मिनट पर वीक एक्सरसाइज करिए, रेशेयुक्त खाना खाइए। रेशेयुक्त खाना हमको मिलता है मौसम के हिसाब से, फल और सब्जियाँ हमारे मोटे अनाज में, दालों में और फलियों। आशा है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837144287। आशा करता हूँ आप लोग हमेशा स्वस्थ बने रहें। थैंक यू।